आज हम करेंगे चैप्टर वन कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट अगर आप क्लास uh, सेवन के सभी वीडियोस देखना चाहते हो सभी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो एक बार आप प्लेलिस्ट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर वन कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इज़ इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफ़ाइन एज़ ऑल डैट सराउंडमेंट क्या है इन्वायरमेंट में क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है चारों तरफ की जो चीज़ है वो क्या है हमारा इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंट से ही हमारा जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है यानी कि जितनी भी जीवन है ठीक है वो इन्वायरमेंट से ही चलता है ये एक बेसिक चीज़ है इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीद द वाटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट एंड द लैंड वेर वी लिव और ये जो इन्वायरमेंट है यही हमें क्या देता है सांस लेने के लिए हवा देता है पीने के लिए पानी देता है खाने के लिए खाना देता है और रहने के लिए लैंड देता है धरती देता है ठीक है इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स एनिमल एंड ए लार्ज वराइटी ऑफ मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग और इट इंक्लूड्स और एनवायरनमेंट में क्या क्या जाता है प्लांट्स आ जाते हैं पेड़ पौधे आ जाते हैं जानवर आ जाते हैं और लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स और आदमी के द्वारा बनाई गई भी इसमें क्या आ जाती हैं चीज़ें आ जाती हैं विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग जो हमारे जीने के लिए क्या है uh, महत्वपूर्ण है नेसेसरी हैं ज़रूरी हैं दस इन्वायरमेंट हैज़ बहुत नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट तो हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट है उसमें नेचुरल uh, यानी कि प्राकृतिक एलिमेंट भी होते हैं और मैन मेड एलिमेंट भी होते हैं आदमी के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी होती हैं द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर बाईफर्केटेड इंटू टू ग्रुप्स और नेचुरल इन्वायरमेंट को भी हम आगे दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं तो नेचुरल में क्या आ जाएगा फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड वाटर एंड एयर जो हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा है पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या जाएगा? आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जिसमें जीवन नहीं होता जैसे कि मिट्टी पानी और हवा और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इसमें सभी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जैसे कि जीव जंतु पेड़ पौधे जानवर ठीक है ये सभी किस में आ जाएंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे सच एज़ प्लांट एंड एलिमेंट जैसे कि इसने एग्जाम्पल दे दिया जैसे कि पेड़ पौधे और जो जानवर हैं जितने भी वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में उनको रख दिया हमने और जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में उसमें क्या आ जाएगा लैंड वाटर और एयर मैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हुटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्राम बोथ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और जो आदमी है मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ठीक है बायोलॉजिकल uh, इन्वायरमेंट का हु सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्राम बोथ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और जो क्या करता है आदमी क्या करता है भाई जो हम हैं हम लोग हैं वो जितनी भी वो अपनी ज़रूरतें हैं उसको कहाँ से पूरा करता है इन दोनों इन्वायरमेंट से पूरा करता है फिजिकल और बायोलॉजिकल से द टू कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट डैट इज़ द फिज़िकल एंड द बायोलॉजिकल आर लार्जली इंटर डिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटिड जो ये दो कॉम्पोनेंट हैं नैचुरल इन्वायरमेंट के दो भाग हैं जो नेचुरल इन्वामेंट के फिजिकल इन्वामेंट और बायोलॉजिकल ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता जैसे कि मिट्टी है मिट्टी में पेड़ पौधे लगेंगे तो मिट्टी हो गया नॉन लिविंग यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाते आ जाएगा ये और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा पेड़ पौधे यानी कि मिट्टी और पेड़ पौधों को एक जैसे अलग नहीं किया जा सकता मिट्टी है तभी पेड़ पौधे होंगे ठीक है द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ बाउंड टू ब्रिंग ए चेंज इन दिंग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट अगर कोई भी चेंज फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो इसका असर किस पे पड़ेगा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे पड़ेगा यानी कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल जो ये चेंज है जो ये बदलाव है ये अचानक भी हो सकता है तेज भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल द डवेलपमेंट ऑफ सॉयल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुलाइज थ्रू आवर सेंसेज एक एग्ज़ैम्पल दिया इसने जैसे कि जो ये मिट्टी बनती है मिट्टी का मतलब जिस पे फसलें वगैरह लगती हैं ऊपर की मिट्टी होती है जो ठीक है वो क्या होता है भाई उसको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं एंड कैन नॉट बी यूज थ्रू आवर सेंसेस और ये जो मिट्टी का बनना है वो हम महसूस नहीं कर सकते अपनी सेंसेस से हमें पता नहीं लगता क्योंकि ये जो बदलाव है बहुत धीरे धीरे होता है ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन और दूसरी तरफ कुछ चेंजेस वो बड़ी तेजी से होते हैं लाइक द चेंजेस ब्रॉड अबाउट बाय द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और वालकैनो जैसे कि सडन चेंज क्या कहा है बड़ी तेजी से कौन सा चेंज होता है जैसे कि अर्थक्वेक है या वालकैनो जब आ जाता है तो इसके बाद जो चेंज दिखाई देता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है बहुत ही सडन होता है आगे है फोर स्पीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के चार स्पीयर्स हैं चार भाग हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर स्पीयर्स जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको हमने फोर स्पीयर्स में बांट दिया है पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमोस्फीयर, तीसरा है हाइड्रोस्फीयर और चौथा है बायोस्फीयर अब इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे ईच ऑफ दीज इज़ यूनिक इन इट्स ऑन वे एंड स्पोर्ट्स अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म ऑन आवर प्लानट कार्ड द मदर अर्थ और ये जो सारे स्फीयर हैं वो यूनिक हैं विशेष एक स्फीयर हैं अपने आप में हटकर स्फीयर हैं और

इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले है लिथोस्फीयर लिथो द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स अगर हम लिथोस्फीयर्स का अगर लिटरल मीनिंग निकाल लें एक मीनिंग निकाल लें तो लिथोस्फीयर्स का मतलब होता है स्फीयर ऑफ रॉक्स रॉक्स क्या होती है चट्टाने कह सकते हैं आप पत्थर कह सकते हैं लिथो का मतलब होता है पत्थर ठीक है तो ये क्या है स्फीयर मतलब ये ठोस है सॉलिड है यानी कि पत्थर से बना हुआ है या आप कह सकते हैं मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह से बना हुआ है जिसमें ये आप जमीन कह सकते हैं लैंड ठीक है द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर जो अर्थ की जो सॉलिड लेयर है ठीक है जिस पर हम रहते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई लिथोस्फीयर बोलते हैं द लीथोस्फेयर इज अबाउट हंड्रेड किलोमीटर इन थिकनेस जो लीथोस्फियर की जो मोटाई है वो कितनी है हंड्रेड किलोमीटर है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीथोस्फियर इज कम्पोस्ट ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्डियाल अब क्या भाई जो अपर मोस्ट पार्ट है जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है लिथोस्फीयर का वो कंपोज ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम ये सिलिका और एल्यूमिनियम से इसमें ज़्यादा है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है और इसको सियाल बोलते हैं ठीक है एस आई si से सिलिका हो गया और एल्यूमिनियम से ए एल हो गया आ, बिलो द सियाल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर आरकॉल सीमा अब जो इस लेयर लेर सियाल लेयर से नीचे जो लेयर है रॉक्स की जो लेयर है द रॉक्स आर मेनली रिच इन जो रॉक्स बनी हुई हैं इसके नीचे वो किससे बनी हुई हैं इसमें ज़्यादा क्या है सिलिका और मैग्नीशियम है विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशन लेयर और ये वाली जो लेयर uh, uh, है वो कहाँ पाई जाती है ये वाली जो रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं ये जो ओशन जो समुद्रों के जो नीचे ए, जो जमीन होती है उसके नीचे ये पाई जाती है बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन ठीक है ओशन का मतलब होता है समुद्र महासागर महासागरों के नीचे ये पाई जाती है दिथोसफियर इज डैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड अस लैंड ओवर विच वी लिव यानी कि जो लीथोसफियर है वो अर्थ का वो पार्ट है जो जहाँ पर हम क्या रहते हैं जिस तहती पर हम रहते हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे लीथोसफियर कहेंगे इट प्रोवाइड्स सोयल फॉर द प्लान्ट एंड इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ ये ये जो लीथोसफियर है ये मिट्टी हमें क्या देता है भाई इट प्रोवाइड्स ये पेड़ पौधों के लिए क्या देता है एक तरह से मिट्टी देता है लिथोस्फीयर पे ही पेड़ पौधे लगे होते हैं उसके ऊपर वाली लेयर पे एंड इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ ऑल मिनरल वेल्थ और जितने भी मिनरल हमें मिलते हैं वो लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं जितना भी सोना चांदी कोयला जो भी हम मिनरल निकालते हैं धरती के नीचे से वो लिथोस्फीयर में ही होते हैं उसके बाद आ गया भाई सेकेंड आ गया स्फीयर एटमोसफियर द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमोसफियर इज द स्फीयर ऑफ एयर एटमोसफियर का अगर मीनिंग निकालें हम तो इसका मीनिंग होता है स्पीयर ऑफ एयर यानी कि हवा का स्फीयर है ये द एटमोसफियर इज कंपोज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म्स एंड एनवेलोप अराउंड द अर्थ एटमोसफियर क्या है इज कम्पोस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एटमोस्फियर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज से बना हुआ है बहुत सारी गैसों का एक ये मिक्सचर है मिश्रण है विच फॉर्म एनविलोप अराउंड द अर्थ जो पृथ्वी के चारों तरफ एक एनविलोप बनाता है एक आ, आप सक, आ, मतलब एक आ, ये जो हवा का जो ये मिक्सचर है ये पृथ्वी को चारों तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं ढकता है ये एक लिफाफे की तरह ठीक है इट इज ए गैसियस एनविलोप एक्सटेंडिंग अबाउट सिक्स हंड्रेड किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और ये जो गैस का जो एनविलोप है ये कहाँ तक है भाई अर्थ के सरफेस से ऊपर तक सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर तक है ठीक है ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर नाइन्टी नाइन परसेंट एग्जिस्ट विद इन थर्टी टू किलोमीटर ऑफ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस और इसका जो जो हमारी अर्थ का जो एटमोसफियर है उसका जो टोटल मास है उसका नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन परसेंट कहाँ पर एग्ज़िट करता है थर्टी टू किलोमीटर की हाइट तक जो अर्थ की सरफेस की थर्टी टू किलोमीटर हाइट तक ही होता है ये उसका उसमें नाइन्टी नाइन परसेंट ये जो एटमॉस्फेयर का जो मास है वो आ जाता है उसके बाद यानी कि थर्टी टू किलोमीटर से ऊपर हवा मतलब जो एटमॉस्फेयर है हवा जो है वो बहुत ही कम हो जाती है यानी कि उसमें फिर वो इतना मास नहीं रहता थर्टी टू किलोमीटर तक ही जो हवा का बाहर कह सकते हो और मांस कह सकते हैं वो नाइन्टी नाइन परसेंट होता है अमंग द फोर मेजर एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एटमोसफियर इज़ द मोस्ट डायनमिक इन नेचर वेयर चेंजेस ऑकर ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर बट आल्सो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से ए फ्यू आवर्स जो एटमोसफियर होता है ये चारों मतलब जित ये चारों जो एस्पियर हैं उनमें सबसे ज़्यादा डायनेमिक है यानी कि ये सबसे ज़्यादा चेंज होता है बदलता रहता है गतिशील है डायनेमिक इन नेचर है वेयर चेंजेस ऑकर नॉट ओनली फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर इस जो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक सीज़न से दूसरे सीजन में चेंज नहीं होता बल्कि यहाँ पर तो थोड़े से घंटों में ही फ्यू आवर्स में ही हमें चेंज दिखाई दे देता है यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है इसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं दीज सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमोसफियरिक कंडीशन विच अफेक्ट आवर लाइफ बहुत डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली और जो भी ये सडन चेंज होते हैं जो अचानक एटमोसफियर में हमारे चेंज पैदा होते हैं इसका हमारे डेली लाइफ पर हमारी लाइफ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है अगर देखो एटमॉस्फेयर की अगर हवा खराब हो जाएगी तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं ठीक है उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा चाहे डायरेक्टली पड़े चाहे इनडायरेक्टली पड़े उसके बाद है भाई हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी कि ये क्या है इसका मतलब है पानी का सफियर यानी कि हम पानी की बात करेंगे कि पृथ्वी पर पानी कितना है विच इज़ प्रेजेंट इन ओशंस रिवर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस अर्थ की जो सरफेस पे जितना भी मतलब पानी है चाहे वो समुद्र में हो महासागरों में हो नदियों में हो झीलों में हो या दूसरी वाटर बॉडीज में हो तालाब वगैरह में कहीं पे भी हो उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे द प्लानट अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लानट Or the blue planet because of abundance of water on its surface. जो हमारी जो अर्थ है जो प्लानट है हमारा अर्थ प्लानट उसको हम वाटर प्लानट भी कहते हैं या फिर ब्लू प्लानट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं जब अंतरिक्ष से जो पृथ्वी को देखते हैं तो वो जो पानी का रंग है वो नीला दिखाई देता है पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है ऊपर से नीली हरी दिखाई देती है इसलिए इसको ब्लू प्लानट भी बोलते हैं पानी के कारण द वाटर बॉडीज़ डैट इंक्लूड रिवर लेक्स सीज एंड ओशन कवर सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी अर्थ का टोटल सरफेस है उस पे उस टोटल सरफेस पे सेवेंटी वन परसेंट सरफेस पे क्या है पानी है और वो किस किस में है चाहे रिवर में है लेक्स में है समुद्रों में है महासागरों में है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बॉथ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न एमोस्फियर जो हमारी जो पृथ्वी को हमने दो स्वीड्स में बांट रखा है नॉर्दर्न और सदर्न uh, uh, जो पानी है वो क्या है भाई यूनिफॉर्म नहीं है नॉर्दर्न और सर्दर्न uh, हेमिसफियर में यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि इक्वल नहीं है बराबर नहीं है इट इज़ एस्टिमेटेड एट फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नॉर्दर्न हेमिसफियर यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिसफियर है उसमें कितना पानी है टोटल पानी का फोर्टी थ्री परसेंट है और जो बच गया सेवेंटी फिफ्टी सेवन परसेंट वो हमारे सर्दर्न हेमिसफियर में है ओशन होल्ड नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट वाटर ऑन द अर्थ और जो हमारे समुद्र है उसमें टोटल जितना पानी पृथ्वी पर पाया जाता है उसका नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पानी तो सिर्फ समुद्रों के अंदर ही है रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर रिवर एंड लेक्स और जो पानी बच गया 96.5 के बाद जो पानी बच गया उतने परसेंट कहाँ पे है भाई वो पानी आइस बर्फ की बर्फ़ की फॉर्म में है वाटर वेपर वैप, की फॉर्म में है अंडरग्राउंड यानी कि पृथ्वी के जो नीचे पानी होता है वो वाला पानी और रिवर्स और लेक्स में जो पानी है वो है उसके बाद आ गया भाई बायोस्फीयर बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ बायोस्फीयर का अगर मतलब निकालें हम इस, इसका मीनिंग निकालें बायोस्फीयर का तो इसका मीनिंग होता है स्फीयर ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन का ये एक स्फीयर है बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द अदर थ्री स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट अब बायोस्फीयर क्या है ये एक नैरो जोन है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन यानी कि जितने भी हमने तीनों स्फीयर पढ़े हैं हाइड्रो हाइड्रोस्फीयर एटमोसफियर और लिथोस्फीयर इन इन तीनों का ये क्या है एक नैरो जोन है इन तीनों के कंबिनेशन से ही बायोस्फीयर बनता है और इसी में ही बायोस्फीयर में ही क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है जीवन होता है पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड और ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो प्लांट पेड़ पौधे हैं एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट ऑन द अर्थ जो अर्थ पे जो पाए जाते हैं आर फाउंड ऑन नियर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर और ये किसके पास पाए जाते हैं या तो लैंड के पास पाए जाते हैं या वाटर के पास या फिर एयर के पास पाए जाते हैं ये मतलब कि लाइफ इनके पास ही एग्जिस्ट करती है इन तीनों का कम्बिनेशन से ही क्या बनता है बायोस्फीयर बनता है लैंड वाटर और एयर के कम्बिनेशन से ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर जो आदमी लोग हैं वो क्या है भाई जो हम लोग हैं वो क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट हैं बायोस्फीयर के दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट और जो आदमी है वो क्या है, है, है वो क्या भाई है इसको बायोस्फीयर को चेंज भी कर सकता है उसमें इसको चेंज करने की योग्यता भी है द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज जो हमारी पृथ्वी है वो डाइवर्सिटी से भरी हुई है यानी कि यहाँ पे कई तरह के जीव जंतु कई तरह के पेड़ पौधे कई तरह के मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु पृथ्वी धरातल पर रहने वाले जीव जंतु ठीक है कई तरह के पाए जाते हैं इसी को ही हम बोलते हैं डाइवर्सिटी देर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंड सॉयल प्लांट एंड एनिमल और यहाँ पे क्या अभी डाइवर्सिटी है यानी कि विभिन्न तरह की लैंड पाई जाती है मिट्टी अलग अलग तरह की पाई जाती है प्लांट पाए जाते हैं अलग अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं अलग अलग तरह के इस पृथ्वी पे इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज ऑफर लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो ये डाइवर्सिफिकेशन है यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के जो जानवर पाए जाते हैं इसको इस डाइवर्सिफिकेशन में एक बहुत लंबा पीरियड लगा बहुत लंबा टाइम लगा है उसके बाद ही मतलब नई नई स्पीशीज नए नए पेड़ पौधों की प्रजातियां और जीव जंतु की प्रजातियां आई हैं दीज चेंजेस क्रिएट बायोड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ और ये जो जो भी परिवर्तन होते हैं ठीक है बायोस्फीयर में उसके कारण ही जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे वो क्रिएट इसी के कारण ही जो इन चेंजेस के कारण ही जो हमारे क्रिएट होती है क्या बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर यानी कि जो चेंज होते होते रहते हैं समय के अनुसार उसके कारण ही मिट्टी चेंज होती रहती है प्लांट की प्रजातियां जातियां चेंज होती रहती हैं एनिमल की जातियां और प्रजातियां चेंज होती रहती हैं ठीक है इन्हीं चेंजेस के कारण ही और यही बायोडाइवर्सिटी का बेस है आप कह सकते हैं चेंजेस के कारण ही बायोडाइवर्सिटी हमारी पृथ्वी पर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन नाइनटीन सेवेंटी टू टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी और जो हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में इसको बचाने के लिए जो हमारी सरकार ने भारत सरकार ने क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि पेड़ पौधों और जंगली जीव जंतुओं को बचाने के लिए उनको एक नियम बनाया है लॉ बनाया है कानून बनाया है नाइन्टीन सेवेंटी टू में अंडर दिस एक्ट कोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहेबिटेड और इस एक्ट के अंडर जो जो भी शिकार करना ठीक है या जंगली जानवरों को मारना ये क्या है इसमें सख्त मनाही लगाई गई है वायलेशन ऑफ़ द एक्ट इज़ ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको uh, अपराध करता है तो उसको क्या दी जाएगी भाई पनिशेबल है ये सजा दी जाएगी इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पांसिबल जो आ, और ये सिर्फ ये जो कर्तव्य है ये सिर्फ ड्यूटी सिर्फ सरकार की नहीं है जीव जंतुओं को जंगली जीव जंतुओं को बचाने के लिए उनकी रक्षा करने की ये जो जिम्मेवारी है ये हम सबकी भी है अब डू यू नो में क्या दिया हुआ है सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल इन इंडिया आर फॉरेस्ट आउलेट गेंजिस शार्क टाइगर टॉड फ्लाइंग फ्रॉग लेदर बैग टर्टल एट्सट्रा और कुछ क्रिटिकली एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है ऐसी स्पीसीज ऐसे ऐसे जीव जंतु जो ख़त्म हो सकते हैं इस पृथ्वी पर जिनका नामो निशान मिट सकता है अगर उनकी रक्षा नहीं की गई कुछ सालों के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं उसमें से ये देख रखें एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट आउलेट गेंजिस शार्क शार्क जो होती है टाइगर है टोड है फ्लाइंग फ्रॉग है ठीक है ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इनकी रक्षा नहीं की गई इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं यानी कि जो तो ऐसे जीव जंतु जिनका खत्म होने का खतरा है प्रेजेंटली देर आर वन हंड्रेड टू नेशनल पार्क एंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया और अब इंडिया में कितने हैं भाई 102 नेशनल पार्क हैं और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अब इस इंडिया में बनाई गई हैं इनका काम क्या है इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं ऐसा एरिया ऐसे जंगल बना दिए जाते हैं जिसमें जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं उसी को ही हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉयट कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो ह्यूमन बींग्स हैं इसको एक्सप्लॉयट भी कर सकते हैं कर सकते हैं इन्वायरमेंट को यानी कि इसका ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं हद से ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूम करते हैं या यूटिलाइज करते हैं इसका सही सही ढंग से इसका यूज़ भी कर सकते हैं प्लांट्स का और एनिमल पीसीज़ का जितने भी अर्थ की सरफेस पर ये पाए जाते हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे तो ह्यूमन बींग्स ही इसका या तो हद से ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं या फिर इसका सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का इट इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स डैट वी शुड लिव इन हारमोनी विद आवर सराउंडिंग और ये इट इज़ द नीड ऑफ़ दैट प्रेजेंट टाइम और ये अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस ये जो समय है इसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम अपने आस के जो जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधे हैं उनके उनसे मिलजुल कर रहें यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि ना पहुँचाएँ हारमोनी से रहें मिलजुल कर रहें उनका भी कुछ नुकसान ना हो पेड़ पौधों का जीव जंतुओं का इस प्रकार से हमें रहना चाहिए दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम और इसी से ही अगर हम हारमोनी से रहेंगे ठीक है इसी से जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन करेगी जो हमारा जीवन बना रहेगा हर तरह के जीव जंतु और हर तरह के पेड़ पौधों का इसी से ही क्या भाई जो जीवन बना रहेगा अगर हम सभी जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधों के साथ हारमोनी के साथ रहें उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं तो ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार